ये देखिए ये मेथड काम कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, इस्त्री है, जिसके यहाँ पर ये डिपॉजिट जमा हुए हैं। इसको हम दो मुख्तलिफ तरीके ट्राई करके क्लीन करने की कोशिश करेंगे। ये मैंने वीडियोज़ देखी हैं नेट पर। एक में क्लेम करते हैं कि टूथपेस्ट और बेकिंग सोडा, और कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं पैरास्टामोल पे। तो दोनों तरीके हम अप्लाई करेंगे, हाफ पोर्शन में ये, हाफ पोर्शन में ये, और देखते हैं कि कौन सा तरीका इसमें से ज़्यादा फायदा। मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा ये नींबू का रस भी निचोड़ देता हूँ। Still there is no response। अभी इससे पहले मैंने पैराडोनटॉक्स इस्तेमाल की थी, अभी ये कॉलगेट इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसके ऊपर बेकिंग सोडा डाला है। ये वो मेथड है जो कि एक वीडियो में मैंने देखा है, जिसमें उन्होंने कोलगेट इस्तेमाल की है और उसके साथ उन्होंने ये बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। इसका भी रिजल्ट देखते हैं। इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मुझे ये लगता है कि ये तरीका काम नहीं करेगा, ये फेक है। अभी इसका रिजल्ट देखते हैं।
अभी तक तो इसमें से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, अभी तक ये वैसे का वैसा है, कोई फर्क नहीं है। चलिए अभी दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। पैरास्टामोल टेबलेट, मैंने ये आयरन को हीट अप किया है, जब ये गर्म हो तो इसकी बॉटम प्लेट को हम टच नहीं करेंगे। Becoming heat up. Yes, it is working. ये देखिए ये method काम कर रहा है, fantastic. Yes, this method is working. The first method was fake. Yes, it is really nice hack. I loved it. अभी देखिए इसके जितने भी ये यहाँ पर डिपॉजिट थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पर ये मेथड फेक है, ये मेथड वर्किंग है। अगर कभी आपने भी इसको साफ़ करने की कोशिश की हो तो कमेंट में लिखिए, आप क्या आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।